नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना और आपका एक बार फिर से स्वागत है ओके क्रेडिट में। और आज हम जिस बिजनेस की बात करने वाले हैं वो समझ लीजिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बिजनेस हो सकता है। वो चीज़ आपको छोटे गली नुक्कड़ में भी मिल जाएगी और वो चीज़ आपको बड़े बड़े होटल्स में भी मिल जाएगी। जी हम बात कर रहे हैं चाय की। तो चाय का बिज़नेस शुरू करना कितना ज़्यादा मुश्किल है या आसान है, कितनी लागत लगेगी, कौन सी जगह का चयन करें, लेकिन याद रखें चाय के दीवाने बहुत हैं और चाय का बिज़नेस 12 महीने चलने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा कि चाय एक ऐसी चीज़ है जो आपको गली नुक्कड़ में भी मिल जाएगी उसकी दुकान, और बड़े बड़े होटल्स में मिल जाएगी। तो अपना बजट देख के और ये वीडियो देख के डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये दुकान कहाँ खोलनी है। वीडियो को आप अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। बिना देर किए चाय की चुस्कियों के साथ लीजिए इस वीडियो का मज़ा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चाय या कॉफी शॉप होती क्या है। ये वो जगह है जहाँ पर आप आराम से बैठकर चाय या कॉफी की चुस्कियाँ ले सकते हैं, उसे ही कॉफी या चाय शॉप कहते हैं। चाय या कॉफी की चुस्कियाँ लगाते समय आपको अपने घर जैसा महसूस हो, इसलिए यहाँ उसी तरह की सिटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं। आप यहाँ चाय और कॉफी के साथ नाश्ता भी ऑर्डर कर सकते हैं। कुल मिलाकर पूरी तरह से आरामदायक होता है कॉफी शॉप। आपको ऐसे कॉफी शॉप बड़े शहरों में ही मिलेंगे। क्यों इम्पोर्टेंट बनते हैं ये कॉफी या फिर चाय की दुकानें? शहरों में लोगों की लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होती है। कई बार घर से निकलने के बाद उन्हें किसी से काम के सिलसिले में मिलना होता है, कोई मीटिंग करनी होती है, ऐसे में कॉफी शॉप काफी काम आती है। वहाँ मीटिंग के साथ साथ चाय नाश्ता भी हो जाता है। इसके अलावा खुद भी शाम के वक्त अगर किसी का चाय पीने का मन होता है तो उसे ऐसे ही कैफे लुभाते हैं। वैसे भी भारत में चाय कॉफी पीने वालों की संख्या काफी ज्यादा है और जिस तरह से आजकल कॉफी शॉप आकर्षित बनाई जा रही है उसे देख लोगों को इस तरह के कैफे में जाना बहुत अच्छा लगता है। कैसे करें कैफे की शुरुआत? आपको इस बिजनेस के लिए किसी भी तरह की डिग्री या पढ़ाई की जरूरत नहीं है। आपको बस कॉफी और चाय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो पहले आप वो जानकारी जुटा लें। आप उन सभी उपकरणों के इस्तेमाल के बारे में पता होना चाहिए जिन्हें आप अपने कैफे में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लोगों को अपने बिजनेस से जोड़ने से पहले देख लें कि उन्हें कॉफी शॉप पर काम करने का पहले से तजुर्बा हो। लोकेशन का चयन कैसे करें? भाई अगर आपका कैफे सही जगह पर होगा तभी आपका बिजनेस सही तरह से चलेगा। किसी मार्केट एरिया, शॉपिंग मॉल, शहर के बीचों बीच, ऑफिस एरिया जैसे जगहें आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। आजकल मेट्रो स्टेशन पर भी इस तरह के कैफे होते हैं, लोगों की सहूलियत देते हैं, जो साथ ही आपके बिजनेस को भी बढ़ाते हैं। कैफे को दें अच्छा सा नाम। आपको अपने कैफे को एक अच्छा सा नाम देना होगा। नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों की जुबान पर तुरंत चढ़ जाए। आपको उसका एक लोगो भी तैयार करना होगा, इससे आपके कैफे की मार्केटिंग आसानी से हो जाएगी। लोग आपका नाम और लोगो देखते ही आपकी कॉफी शॉप को पहचान लेंगे, साथ ही आपको आगे चलकर कैफे के नई ब्रांच खोलने में भी आसानी होगी। कैफे के शुरू करने के लिए क्या प्रक्रिया होगी और कौन कौन से लाइसेंस की आवश्यकता है? कैफे खोलने के लिए किसी भी फूड बिजनेस को खोलने के समान ही है, तो आपको वो सब रूल्स फॉलो करने होंगे जो आपको किसी भी फूड बिजनेस को खोलने से पहले करने होते हैं। जैसे आपको सबसे पहले FSSI लाइसेंस बनवाना होगा। FSSI लाइसेंस किसी भी तरह के फूड बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी है। FSSI तीन प्रकार के होते हैं। कंपनी अगर सालाना 12 लाख रुपए तक कमा रही है तो आपको इसके लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत FSSI लाइसेंस लेना होगा। अगर आपकी कंपनी सालाना 12 लाख से 20 करोड़ के बीच का टर्नओवर लेती है तो आपको स्टेट लाइसेंस प्रक्रिया को पूरा करना होगा और फिर FSSI लाइसेंस बनवाना होगा। और अगर आपकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सेंट्रल प्रक्रिया के तहत FSSI लाइसेंस बनवाना होगा। फूड बिजनेस के लिए GST रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और भी कई लाइसेंस की जरूरत है, जैसे हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, लाइसेंस फॉर ईटिंग हाउस, फायर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, लाइसेंस फॉर प्लेइंग म्यूजिक एंड वीडियो, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। कॉफी शॉप का मेन्यू बनाएं। अगर आप कॉफी शॉप खोल रहे हैं तो आपका सिर्फ कॉफी बेचने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको उसके साथ नाश्ते के तौर पर बिस्किट, सैंडविच, बर्गर, केक जैसी चीजें भी रखनी होंगी। इसके अलावा आपको ठंडी ड्रिंक्स जैसे लेमन टी, कोल्ड कॉफी जैसे ऑप्शंस भी रखने होंगे, क्योंकि कई बार लोगों के मन गर्म की जगह कुछ ठंडा पीने का होता है। तो यानी कि आपको सिर्फ चाय कॉफी तक ही सीमित नहीं रहना है। ठंडी और गर्म दोनों तरह की कॉफी रखें। गरम कॉफी की सारी वैरायटी जैसे लैटे, कैपेचिनो, एस्प्रेसो आदि रखें। वही ठंडी कॉफी के सारे ऑप्शंस रखें। अगर किसी को आइसक्रीम के साथ कोल्ड कॉफी पीने का मन है तो उसे भी वो दे सके। गरम चाय में मसाला चाय, अदरक वाली चाय, इलायची चाय, शुगर फ्री चाय, गुड़ वाली चाय, हर ऑप्शन रखें। चाय और कॉफी के साथ नाश्ते में वो हर चीजें रखें जो लोगों को अक्सर चाय के साथ लेना पसंद होती हैं। उसे आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करें, जैसे
ब्रेड को किसी सैंडविच का रूप दें, नमकीन पैटीज और कुकीज और केक का भी अच्छा ऑप्शन है। आप चाहे तो पास्ता और नूडल्स का ऑप्शन भी रख सकते हैं, इससे आपकी सेल पर काफी असर पड़ेगा। अब बात आपको कैफे खोलते वक्त किन किन मशीनों की जरूरत पड़ेगी। जल्द और स्पेशल कॉफी बनाने के लिए कुछ खास उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इनकी मदद से ही कम समय में मजेदार कॉफी तैयार होती है। जब आपको एक साथ कई ग्राहकों पर ध्यान देना होता है तो आपको ऐसे उपकरणों की जरूरत पड़ती है जैसे ऑटोमेटिक ड्रिप कॉफी मेकर, एस्प्रेसो मशीन, इंडस्ट्रियल कॉफी ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, पंप एंड असॉर्टेड कंटेनर, रेफ्रिजरेटर। शॉप पर कितना निवेश और कितना मुनाफा हो सकता है? वैसे तो हर बिजनेस का निवेश आप पर ही डिपेंड करता है, जितना चाहें आप उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा लगा सकते हैं। वैसे आप छोटा सा स्टॉल 1 लाख रुपए में भी शुरू कर सकते हैं। एक बड़ा कैफे खोलने के लिए आपको कम से कम 10 लाख का निवेश करना होगा। इतने में आप इंटीरियर के साथ एक अच्छा कैफे शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 50-70% का मुनाफा हो जाएगा। अपने कैफे को ई कॉमर्स वेबसाइट से जोड़ें। आजकल ऑनलाइन का दौर है तो अच्छा होगा कि आप इस दौर में साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। लिहाजा अपनी कॉफी शॉप का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। अपने कैफे को स्विगी और जोमेटो के साथ रजिस्टर करें ताकि आपको वहां से भी अच्छा बिजनेस मिल सके। कैफे खोलते समय ध्यान रखें ये बातें। अगर आप कैफे खोल रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके कैफे का माहौल ऐसा हो कि कोई भी वहां बोर ना हो। लोगों के लिए मैगजीन और किताबों के साथ म्यूजिक और टीवी का इंतजाम भी करें। कैफे का इंटीरियर आरामदायक और आंखों के सुकून पहुंचाने वाला हो। सोफे या कुर्सियों का चुनाव ठीक से करें, आरामदायक होनी चाहिए। कैफे खोलने से पहले पेपर वर्क पूरा करें। तो देखा आपने कि किस तरह से आप चाय का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तो आपको समझ में एक एक चीज आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और हमें फीडबैक देते रहिए। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।